ये बोला जाता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स बिटकॉइन को ब्रेक कर सकते हैं। टेक जायंट्स जैसे गूगल और आईबीएम ऑलरेडी क्वांटम कंप्यूटर्स बना चुके हैं और दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर इस बात में कितनी सच्चाई है और क्वांटम कंप्यूटर्स काम कैसे करते हैं और क्या सही में क्वांटम कंप्यूटर्स बिटकॉइन को ब्रेक कर सकते हैं, जानेंगे हम आज के वीडियो में। जैसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन होता है ब्रेन और ब्रेन में मैसेजेस प्रोसेस और ट्रांसमिट करते हैं न्यूरॉन सेल्स, वैसे ही कंप्यूटर्स का ब्रेन होता है सीपीयू, जहां कंप्यूटर्स की ओरिजिन लैंग्वेज होती है बिट, जिसके थ्रू डेटा प्रोसेस और ट्रांसमिट होता है। और यहीं पे मेन डिफरेंस है नॉर्मल कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स के बीच में, जहां नॉर्मल कंप्यूटर्स यूज करते हैं बिट और क्वांटम कंप्यूटर्स यूज करते हैं क्वांटम बिट या क्यूबिट। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। वी ऑल नो कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर को यूज करते हैं, 1 या 0। सो व्हाटएवर यू डू ऑन योर कंप्यूटर, वो 1 या 0 के अंदर आपके कंप्यूटर में प्रोसेस होता है। तो यहीं पे नॉर्मल कंप्यूटर्स जो बिट को यूज करते हैं, वह बिट या तो 1 हो सकता है या फिर 0। 1 और 0 दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अब यहीं पे क्वांटम कंप्यूटर्स बिट की जगह यूज करते हैं क्यूबिट, और क्यूबिट भी 1 या 0 हो सकते हैं, पर अनलाइक बिट क्यूबिट एट द सेम टाइम 1 या 0 दोनों भी हो सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइट? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आप ये मान लीजिए बिट एक कॉइन की तरह है, जो या तो हेड्स हो सकता है या टेल्स, जैसे 1 या 0। ये कॉइन एक साथ हेड या टेल्स दोनों नहीं हो सकता, राइट? रॉन्ग। अगर मैं इस कॉइन को हवा में टॉस करता हूं तो अभी ये क्या है, हेड्स या टेल्स? इन अ वियर्ड वे ये हेड्स भी है और टेल्स भी, जब तक ये कॉइन जमीन पे कोलैप्स नहीं करता और मैं ऑब्जर्व नहीं करूं कि क्या हेड्स आया है या टेल्स आया है। तो यही जो स्टेट है जहां पे कॉइन हवा में टॉस हो रहा है, इसको क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपरपोजिशन बोला जाता है, जहां पे अनलाइक बिट क्यूबिट कैन बी 1 और 0 एट द सेम टाइम। और इसी फीचर के कारण क्वांटम कंप्यूटर्स नॉर्मल कंप्यूटर से 1000 गुना फास्टर और बेटर होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो आई होप इससे आप एक बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे। बट सवाल अभी भी यह रहता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स बिटकॉइन को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। लेट्स से मैं 4 बिट के पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर 4 बिट का पासवर्ड है जहां 1 बिट या तो 1 हो सकता है या 0, तो आई कैन रिप्रेजेंट अ बंच ऑफ नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 0001 0010 0011 0101 0100 एंड सो ऑन। अब जो पासवर्ड मैं क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ वो इन्हीं कॉम्बिनेशन में से एक है, पर मैं वो करेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड कैसे करूंगा? मैं 1 by 1 कॉम्बिनेशन को कंप्यूटर में डालूंगा और चेक करता रहूंगा जब तक इन कॉम्बिनेशन में से मेरे को करेक्ट आंसर नहीं मिलता, राइट? सो नॉर्मल कंप्यूटर एक करेक्ट पासवर्ड को फाइंड करने के लिए इंडिविजुअली हर एक कॉम्बिनेशन को ट्राई करेगा जब तक उसे राइट पासवर्ड नहीं मिल जाता है, which is a slow process and it takes a lot of time. But this changes with quantum computers. You see, जैसे normal computer में bits का combination 1 by 1 डाल के check करना पड़ेगा, quantum computers में regular bits डालने की जगह हम 4 quantum bit या qubit डाल सकते हैं। Now remember, ये qubit 1 और 0 दोनों हो सकते हैं at the same time. मतलब सिर्फ ये 4 qubits represents all the number at the same time. इसका मतलब नॉर्मल कंप्यूटर्स में जहां आपको 1 by 1 हर एक कॉम्बिनेशन डाल के ट्राई करना पड़ेगा टू फाइंड द करेक्ट आंसर, क्वांटम कंप्यूटर में बस आप एक कॉम्बिनेशन डाल के करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। और क्यूबिट्स के इसी फीचर के कारण जहां क्वांटम कंप्यूटर्स इतने फास्ट होंगे कि वो सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन विद इन सेकेंड्स में फाइंड आउट कर पाएंगे, ये बोला जाता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स बिटकॉइन को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे करंटली अभी देखें तो बिटकॉइन सिक्योरिटी के लिए यूज करता है SHA-256 क्रिप्टोग्राफिक हैश एल्गोरिदम, जिसको अगर नॉर्मल कंप्यूटर से क्रैक करने की कोशिश करी जाए तो ये कहा जाता है कि अगर गूगल अपने सारे कंप्यूटर्स की कंप्यूटेशनल पावर लगा के सिर्फ एक वॉलेट की प्राइवेट की को क्रैक करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ऑलमोस्ट 100 ईयर्स लगेंगे। पर अगर यही प्राइवेट की क्वांटम कंप्यूटर्स की हेल्प से क्रैक करने की कोशिश करी जाए तो प्राइवेट की कैन बी क्रैक्ड विद इन सेकेंड्स। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्वांटम कंप्यूटर्स बिटकॉइन को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। थोड़ा स्केरी है, राइट? पर अब हम बात करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स एक्चुअली में कितना क्लोज हैं बिटकॉइन को ब्रेक करने से। जवाब है बहुत दूर। क्वांटम कंप्यूटर्स को बिटकॉइन को ब्रेक करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, और क्यूबिट को इंक्रीज करना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उसी क्यूबिट के इसी फीचर के कारण जहां क्यूबिट एक ही समय पे 1 या 0 दोनों हो सकता है, वो क्यूबिट को बहुत अनस्टेबल बनाता है। इसी कारण से जैसे जैसे नए क्यूबिट ऐड होंगे
उतना ज्यादा फेलियर के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और यही नहीं, क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाना भी हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर में काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम डी वेव का क्वांटम कंप्यूटर देखें तो वो -273 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है, जो आउटर स्पेस का टेम्परेचर है। और इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाना और मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, और इसी कारण से सिर्फ टेक जायंट्स या गवर्नमेंट, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे फंड्स और रिसोर्सेज हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बना पा रहे हैं। सो यू सी, इट इज नॉट सो इजी टू मेक क्वांटम कंप्यूटर्स। अभी तक अगर हम देखें तो सिर्फ 3 नोन क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए गए हैं। पहला डी वेव ने बनाया है, जो 2000 क्यूबिट का है। पर डी वेव का क्वांटम कंप्यूटर बिटकॉइन को ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि डी वेव का जो क्वांटम कंप्यूटर है वो सिर्फ यूजफुल है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बिटकॉइन को ब्रेक करने के लिए जनरल पर्पस के क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत है, जो अभी तक बोला जा रहा है कि सिर्फ IBM और गूगल इन कोलैबोरेशन विद नासा बना पाए हैं। IBM अभी तक 50 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बना पाए हैं और गूगल 53 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बना पाए हैं। तो यू सी, जहां 1000 ऑफ क्यूबिट के कंप्यूटर चाहिए बिटकॉइन को ब्रेक करने के लिए, वहां IBM और गूगल, जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 50 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर्स बना पाए हैं। तो अभी हम काफी दूर हैं रिस्क से। तो आई होप अब आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वांटम कंप्यूटर्स को लेके और बिटकॉइन के ब्रेक होने के रिस्क को लेके, वो आंसर हो गए हों। पर अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये पॉसिबल हो भी जाता है कि IBM और गूगल यहाँ पर 1000 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर्स बना लेते हैं, तो तब क्या होगा? देखिए, अगर हाई क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर्स सक्सेसफुली बन भी जाते हैं तो सिर्फ बिटकॉइन रिस्क पे नहीं होगा, सारे सिक्योरिटी एल्गोरिदम और इंक्रिप्शन रिस्क पे होंगे, पूरे इंटरनेट की सिक्योरिटी और इवन न्यूक्लियर मिसाइल कोड्स। और इसीलिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग और प्रोजेक्ट्स क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम पे वर्क कर रहे हैं और कुछ ऑलरेडी बना भी चुके हैं। अगर क्वांटम कंप्यूटर्स बन भी जाते हैं तो हम करंट सिक्योरिटी एल्गोरिदम से क्वांटम रेजिस्टेंट एल्गोरिदम पे मूव हो जाएंगे। इन वर्स केस सिर्फ ये हो सकता है कि जितने भी अनयूज्ड या लॉस्ट वॉलेट्स हैं जो क्वांटम रेजिस्टेंट एल्गोरिदम पे मूव नहीं कर पाएंगे, वहां से क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू बिटकॉइन निकाले जा सकते हैं। जैसे सतोशी नाकामोटो के बिटकॉइन वॉलेट, जहां पर अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है कि 1 मिलियन बिटकॉइन है। सो यू सी, क्वांटम कंप्यूटर से सिक्योर होने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और टाइम आने पे उन्हें इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा, चाहे वो इंटरनेट सिक्योरिटी की बात हो या फिर बिटकॉइन की बात हो। पर अगर देखा जाए तो क्वांटम कंप्यूटर रिस्क से ज्यादा ब्रेक थ्रू होगा टेक्नोलॉजी में, जहां हाई बिट के क्वांटम कंप्यूटर्स कैन सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स इन रिसर्च, मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, स्पेस एक्सप्लोरेशन। अभी जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं है, वो सब क्वांटम कंप्यूटर्स की हेल्प से हम फाइंड कर पाएंगे, जैसे करेक्ट सॉल्यूशन फॉर कैंसर और अदर डिजीजेस, सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज, एनर्जी कंजम्पशन और इवन रोबोटिक्स एंड AI। इनफैक्ट रोबोटिक्स और AI इज समथिंग दैट रियली स्केयर्स मी, क्योंकि इमेजिन करिए एक ऐसा रोबोट जो हाई क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर से पावर्ड हो, ऐसा रोबोट जो हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस विद इन सेकंड्स खुद ही फाइंड आउट कर पाए और खुद को और बेटर और इम्प्रूव कर पाए विदाउट नीड ऑफ एनी ह्यूमंस। साउंड सो स्केरी। इसके बारे में सोच के मुझे याद आती है मूवी टर्मिनेटर। माइंड ब्लोइंग एंड स्केरी, राइट? सो गाइज, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला है तो डू हिट दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।